कचहरी परिसर में भदोही विधायक विजय मिश्र को पेशी पर लाया गया। कचहरी परिसर में भदोही विधायक विजय मिश्र की पेशी हुई। विजय मिश्र ने बातचीत में बताया कि जिस केस में हमें फंसाया गया है वो फर्जी है, इस मामले में कोई भी प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है और हम यही मांग करते हैं कि हमें फर्जी तरीके से ना फंसाया जाए। जो आपके साथ घटना घटी है क्या उसमें है सच्चाई? अब आप लोग मुझसे ज्यादा है सच्चाई है कि बेटी है, कोई बम्बई है, कोई बेंगलोर है, कोई दिल्ली है, दामाद है, वो फर्जी केसों में फंसाया जाए। न दिन है, न तारीख है, न घटना है, न कोई गवाह है, इसीलिए कमिश्नर बनाया गया है। यही जीरो टॉलरेंस सरकार है, यही भ्रष्टाचार, यही भयमुक्त समाज है कि किसी की बेटी दामाद न रहने पाए। इतनी गिरी हुई सरकार है ये, इतनी निकम्मी सरकार है ये, लूट किसमें नहीं हो रही है। आपको चिट्ठी दें, 1,00,000 का स्ट्रीट लाइट, हाई मास 12 मीटर का 4,59,000 लग रहा है, 6,00,000 6,21,000 का पावर सोटो हाई कोर्ट साटर का 3,25,000 में लगवा रहा हूँ। एक पैसे का मैं किसी को लिया है न ताया है न खाया है। जिसको माननीय श्री अमित शाह ने जांच भी करवाया है, इसको सुरेश खन्ना साहब सीधे फोन कर पूछिएगा कि विजय मिश्रा दबंग है, एक पैसा किसी को नहीं लेता है, जमीन कब्जा। तो हमसे सुरेश खन्ना ने बताया, हम भूल गए थे शाह साहब से पूछे। इतना परेशान न करें, बस इतना कह रही हूं सरकार से, इतना परेशान न करें। आपके ऊपर कुल कितने केस लाते गए हैं अब तक? 11-12 लिखे गए हैं, कितना लिखे जाए, कब तक मारे जाए, कितने सही है कितने गलत हैं? सही गलत हमें पता ही नहीं, कितना लिखे गए, सही कौन चीज है बता दीजिए। एक केस बता दीजिए सही है, एक केस बता दीजिए सही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या आगे रणनीति आपकी? तो माननीय सरकार से पूछे, वो चाहती चुनाव लड़े, हमारे बेटे आतंकवादी हो जाए, पूरा धन ले ले, हम धन कल गोरक्षा पीठ को हमने चिट्ठी लिख दिया, आपको न मालूम हो ले लीजिए, वो आप लिख लीजिए, चाहे संघ वाले ले ले, जो भी कर्जदारी है, बैंक की देनदारी है, लड़का काम करता है, हम सब भिक्षा मांग के दे देंगे, आप सब लिख दिया। हाँ माइकिल भैया बताइए, किस वजह से इनको पेशी पर लाया गया था, क्या मुकदमा कायम था? देखिए जैतपुरा थाने में एक मुकदमा कायम हुआ है, मुकदमा अपराध संख्या 194/2021, धारा 307 है, 147, 148, 392, 120 भी कई धाराएं हैं, 504, 506 में, उसी में आज विधायक जी का जो है रिमांड बनने के लिए वारंट भी से ही आगरा जेल से तलब हुए, तो आज इनका रिमांड। क्या इनको सजा दी गई है? सजा नहीं है, जो पीड़िता इनके खिलाफ वहाँ भदोही केस में बलात्कार का आरोप लगा करके वहाँ मुकदमा कायम कराई है, इनको इनके लड़के को मुलजिम बनाई है, उसी पीड़िता ने यहाँ थाना जैतपुरा में एक मुकदमा कायम कराया है कि विधायक जी के बेटी, उसमें 14 लोग अभियुक्त हैं कि इनके कहने पर, इनके उकसावे पर ये 10-12 लोग आए मेरे घर पे, जिसमें इनके बेटी दामाद जो बम्बई में रहते हैं, बहुत से एक बेटी इनकी हाईकोर्ट में अधिवक्ता है, तो ऐसे तमाम इनके परिजनों के विरुद्ध उस पीड़िता ने आरोप लगाया है कि ये लोग मेरे घर पर आए और मुझसे ये कहे कि विधायक जी के खिलाफ जो बलात्कार का मुकदमा कायम करा लियो, इसको वापस उठा लो। और उसी कड़ी में उसका कहना है ये कि हमारी हत्या का प्रयास किए, मेरे साथ लूट की घटना घटित की, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट के मुताबिक किसी प्रकार की घटना का कोई खुलासा होता नहीं, न उसमें घटना की तारीख है न समय है। ऐसे ऐसे बेटी दामाद को इसने मुलजिम बनाया, ये सब राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता का माहौल है उस कड़ी में इस लड़की को एक मोहरा बनाया गया है। ये अपने को ऑर्केस्ट्रा का डांसर कहती है और ये जो वादनी मुकदमा है ये बम्बई में गैंग रेप के एक मुकदमे में पहले से मुलजिम चली आ रही है, और इस प्रकार के जो छेड़खानी और बलात्कार के जो आरोप लगाई है इन लोगों के ऊपर, वो एक अपने सगे बहनोई के ऊपर भी उसने आरोप लगाया है, बलात्कार का ही आरोप लगाया है। गायक भरत शर्मा व्यास है, उनके लड़के पर छेड़खानी का आरोप लगाया है, तो इस प्रकार के आरोप लगाने का ये अभ्यस्त महिला है और उसने ये आरोप लगाया है। और इसमें गवाह कौन है? बनारस के स्थानीय लोग गवाह नहीं है, इसके आस पड़ोस के लोग इतनी बड़ी घटना होने की बात कही जा रही है और एक भी लोकल गवाह नहीं है। गवाह कौन है? जो इस महिला वादिनी मुकदमा के साथ मामले में अभियुक्त है, गैंग रेप के मुलजिम है, बम्बई में क्राइम ब्रांच की टीम उनके, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उनको पुलिस खोज रही है, ये लोग फरार चल रहे हैं, तो एक मोहरा बन करके इसको एक हथियार के रूप में इस महिला को इस्तेमाल किया जा रहा है, यही ये मुकदमा है, इसी में आज इनका रिमांड।